यहाँ पर जोगेश्वरी पर आप आओगे तब आपको ईस्ट में आना है, ना कि वेस्ट में। तो मैप्स पे आपको दिखाता है वेस्ट, पर आपको आना है ईस्ट में, जोगेश्वरी ईस्ट। उसके बाद आपको 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है केव के लिए। दोस्तों कैसा सब, मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और नया वीडियो, जिसमें हम देखेंगे जोगेश्वरी गुफा यानी कि जोगेश्वरी केव के बारे में। तो आप देख सकते हो मेरे साथ जो है मेरे दोस्त जकिंदर राहुल है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोड यानी कि वे ऑफ एंटरिंग द केव यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ से एंट्री आप करोगे तब आपको गणपति, तो ऐसे करके यहाँ पर आपको मिलेगा सूचना। तो सूचना के बारे में एक फ़ोटो मैं लूँगा और आपको बता दूँगा आगे। चलिए बढ़ते आगे। हम आ गए हैं अंदर और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। हम अंदर आ गए हैं जस्ट, और यहाँ पर आप मंदिर भी देख सकते हो और यहाँ पर सूचना भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया है, ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, तो इसे क्लीन रखना चाहिए। तो उसी तरह से अभी यहाँ पर शूज़ जो है फुटवेयर वो निकालने होंगे, आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपकी जोगेश्वरी माता का दर्शन और व्यू। तो ये है मंदिर गुफा के अंदर। तो खासियत ये है जोगेश्वरी की कि जोगेश्वरी यानी शिव के भक्त को जोगेश्वरी कहा जाता है। तो जोगेश्वरी ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि माता योगेश्वरी जो कुल देवी है मुंबई वासियों की, मराठी और गुजराती वासियों की, तो इसलिए यहाँ पर जोगेश्वरी नाम दिया गया है। और ये गुफा का महत्व आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये व्यू है, आप देख लीजिए और धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि आपको क्या पता चलता है जोगेश्वरी के बारे में। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिया और आगे हम देख रहे हैं कि कैसे रचना की गई है। तो रचना का एक महत्व है, रचना का महत्व क्या है वो भी आपको कुछ देर में पता चलेगा। तो ये साइड व्यू है मंदिर का। उसके साथ साथ जैसे हम आगे जाएंगे आपको कुछ और जो है रचना दिखेगी गुफा की। ये जो ऊपर आपको स्तंभ दिख रहे हैं और दीवारें दिख रही हैं वो कैसे बनाई गई है उसे आप देख सकते हो गौर करके। ये आपको पता चल गया तो मुझे लगता है कि आपको इसका महत्व पता चलेगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे भी आते हैं। यहाँ पर और एक महत्व की बात ये है कि जोगेश्वरी मंदिर जो है पांडवकालीन है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर आपको सूचना में दिखेगा नहीं, पर यहाँ पर जो जितने भी भक्त हैं यहाँ पर आते हैं उन्होंने बताया भी है और यहाँ पर जानकारी भी मिली है। तो पांडवकालीन है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात आप देखोगे कि यहाँ पर गणेश जी का, हनुमान जी का, योगेश्वरी माता का यानी कि जोगेश्वरी माता का, शिव भगवान का यहाँ पर स्थापन किया गया है, वो आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पर भी तो मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? बराबर बोल रहा हूँ ना। ऊपर दत्ता मंदिर है। हाँ हाँ। और बाकी सबका सब वही तब भी किया है। हाँ हाँ। अभी आपने अपने बस की बात नहीं है ये। हाँ हाँ। वो जब भी वो पांडव का दिन ही किया है। और ये जोगेश्वरी माता ही बम्बई वासियों की कुल देवता है। इधर ही जो भी बम्बई, इसलिए ये गाँव इधर से ये माता जी की वजह से ये गाँव का स्टेशन का नाम है जोगेश्वरी पड़ा। ओके। तो आपने सुना अभी कि इतना महत्व क्यों है इस स्थान को। और यहाँ पर जलकुंड भी है। जलकुंड ऐसे है जो आपको देखने पर ही कुछ बहुत अच्छा फील होगा, आपका भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों जोगेश्वरी की, आगे आपको पता चलेगी।
चल रहे हैं गणेश टेंपल। तो सबसे पहले हमने जोगेश्वरी माता के दर्शन कर लिए, उसके बाद हम देख रहे हैं अभी गणेश टेंपल, उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे हनुमान जी और शिव शंकर जी का टेंपल। तो व्यू अच्छा है और रचना भी बहुत अच्छी है और ये प्राचीन कालीन है, प्राचीन काल से है और प्राचीन काल से है, इसका महत्व उतना ही ज़्यादा है। तो यह है बैक व्यू, ऊपर लिखा है दत्त मंदिर, श्री दत्त मंदिर करके। तो हम देखेंगे अभी धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पर गणेश मंदिर कुछ इस तरह से बहुत मस्त, एकदम बहुत ही अच्छी रचना, प्राचीन काल से है दोस्तों। जोगेश्वरी टेंपल, जोगेश्वरी टेंपल के बाद गणेश टेंपल। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुफा है, यहाँ पर चढ़ाई करके हम ऊपर आ गए हैं। तो चढ़ाई कुछ ऐसे ऊपर ऊपर करके हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा शॉट भी मिला। तो ये शॉट हमने जो किया है ऊपर से, उसका नज़ारा बहुत अच्छा है कि नहीं? नज़ारा अच्छा है कि नहीं? अच्छा है नज़ारा है। कैसे लग रहा है आपको? तो यहाँ की बात ही कुछ अलग है। यह आप देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छी कलाकृति बनाई गई है, और यहाँ पर इतने सुंदर जो है कार्विंग की गई है, वो भी प्राचीन कालीन अभी तक है। तो इसका इतिहास है, प्राचीन कालीन इतिहास है, और इसका इतिहास क्या है वो आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। तो ये है गणेश टेंपल का स्पॉट, अभी हम जा रहे हैं आगे के स्पॉट पे। जैसे आप थोड़ा पीछे आ जाओगे गणपति टेंपल के, गणेश मंदिर के, तो आप राइट लोगे तो ये स्पॉट मिलेगा आपको। यहाँ से शंकर भगवान का यानी कि परम शिव भगवान का मंदिर आता है, अगर शॉर्टकट जाना हो तो, और या फिर अगर नहीं जाना है तो आपको सीधा जाके लेफ्ट मुड़ना है। तो इसी तरह से ये गुफा है। चलिए यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, पर यहाँ से हम जैसे हम आगे जाएंगे, हम पहले गणपति जी का कर दिए, उसके पहले जोगेश्वरी माता का किया। तो गणपति भगवान सबसे प्रथम आते हैं, इसलिए गणपति, उसके बाद हनुमान जी। तो हम हनुमान जी के मंदिर के यहाँ पर जा रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे परम शिव भगवान का। तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी चलती रहती है ब्राह्मण द्वारा, पंडित द्वारा। तो उस तरह से आगे हम एक एक करके दर्शन करेंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ की जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों ये हनुमान मंदिर है, ये भी प्राचीन काल से है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत मस्त मंदिर, इसकी रचना बहुत अच्छी। तो अंदर जब आओगे हनुमान मंदिर के यहाँ पर,
तो इस तरह से आपको आना है, यहाँ से आपको आना है और उसके बाद यहाँ से आपको दर्शन लेने हैं। प्राचीन काल का जौनकुंड कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मछली केछुए सिर्फ अभी आपको दिखेंगे, पर इसका प्राचीन काल में बहुत बड़ा महत्व था। और यहाँ से डायरेक्टली इतना ही गहरा ये जलकुंड है कि डायरेक्टली जब हम उसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर उसका पानी का प्रवाह जाता है और वहाँ से उसका एग्जिट पॉइंट है, तो इतना गहरा है दोस्तों। समय ये उन शताब्दियों की बात है जब यहाँ पर यह गुफा का निर्माण किया गया। उसके बाद वाकाटका का साम्राज्य जो राजा हरिसेन थे उन्होंने यहाँ पर अपने कारीगरों के साथ जो किया रचना कार्विंग का वो उसके बाद हुआ, पर उससे पहले महाभारत कालीन जो है अज्ञातवास के समय यहाँ से ये गुफा का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर जो स्तंभ है पत्थर के बने हुए हैं पर उनकी रचना अद्भुत है, तो इसी की जानकारी आपको देनी थी। अगर आप मुंबई में हो जोगेश्वरी में आओ, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्राचीन कालीन जो स्थल है उसका क्या महत्व है। आपको ये जगह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर माता जोगेश्वरी का भी स्थान है, यहाँ पर गणपति भगवान का भी स्थान है, उसके साथ साथ हनुमान जी और परमशिव भगवान का भी स्थान है, और यहाँ पर अलग रचना भी है जो साम्राज्य जो पहले थे वाकाटका और मौर्य जैसे रिसर्चर्स ने बताया है उसी तरह से उनका भी यहाँ पर महत्व है। उसके साथ साथ पांडवों का भी यहाँ पर अज्ञातवास के समय जो निर्माण किया गया ये स्थान है उसका भी एक महत्व है। तो यहाँ पर आइए दोस्तों और फिर से यहाँ का मजा लीजिए। हरिओम। तो दोस्तों हम आ गए हैं जोगेश्वरी केव, तो यहाँ पर जोगेश्वरी गुफा। सो हियर वी हैव सीन वीरेश टेम्पल्स, हमने यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखे। मंदिर कौन से, सबसे पहले तो माता जोगेश्वरी यानी कि योगेश्वरी माता, उसके बाद हमने देखा गणपति भगवान का, उसके बाद हमने देखा हनुमान जी का मंदिर, उसके बाद हमने देखा परम शिव यानी कि शंकर भगवान का भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पर हमने देखा नंदी, नंदी जी के भी दर्शन हो गए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पांडव कालीन जो है ये योगेश्वरी माता का मंदिर है। तो यहाँ पर जब अज्ञातवास के लिए जब पांडव आए थे तब उन्होंने यहाँ पर जो है अपना स्थान ग्रहण किया था, यहाँ पर वो रुके थे और ऐसी उनके बारे में जानकारी आपको भक्तों से भी मिली यहाँ पर जो है। और उसके बाद इस स्थान का जो महत्व क्या है वो भी आपको बता दूँ। तो यहाँ पर माता योगेश्वरी जो है उनके नाम पर ही ये योगेश्वरी नाम पड़ा है और इसकी वजह से ही वो कुल देवी है। और जो मराठा समाज और उसके साथ साथ गुजराती समाज उन दोनों को जोड़ता है। और ये सबसे जोगेश्वरी स्थान जो है महत्व स्थान है और मुंबई में बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा आपको ये बता दूं कि वाकाटका राजा जो थे हरिसेन, उनके साम्राज्य में जो अजंता गुफा जो बनी थी वही जो कारीगर थे वो यहाँ पर आ गए थे। 6वीं शताब्दी की बात है ये। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ये यहाँ पर जो कार्विंग की हुई है वो उन्होंने की गई है
यानी कि जो आर्टिसन जो वहाँ पर कारागिर थे उन्होंने ये बनाया था। और उसके बाद यानी यहाँ पर रचना जो है प्राचीन काल से है, पर उसके बाद यहाँ पर कलाकृति जो की थी वो उन्होंने की थी। और ऐसे मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो जानकार यानी कि रिसर्चर्स आए हुए हैं उन्होंने बोला है कि ये मौर्य जो साम्राज्य था उनके यहाँ से भी ये स्थापन किया गया है। तो ये बहुत प्राचीन से प्राचीन यानी कि पांडवकालीन भी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रचना ऐसे हुए हैं कि आपको अलग अलग साम्राज्य के राजाओं के द्वारा उनके कारीगर के द्वारा ये बनाया गया रचना आपको दिखेगी। तो यहाँ पर जो दिखने वाले जो यहाँ पर आपको कारीगरी थी वो आपको दिखा दी थी। उसके साथ ही ये बहुत प्राचीन काल से टिका हुआ है और इसे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट भी कहा गया है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे बचाना सबकी जिम्मेदारी मुझे लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे जलकुंड भी है जिनका महत्व प्राचीन कालों से है। और यहाँ का जोगेश्वरी जो आपको बताया था कि जोगेश्वरी ये नाम का अर्थ क्या होता है, जोगेश्वरी ये नाम का अर्थ ये है कि जो शिव के भक्त है उसे जोगेश्वरी बोलते हैं। तो शिव भक्त जिसे बोलते हैं उसे जोगेश्वरी, इसलिए इस स्थान को जोगेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप मुंबई में हो और आपने सारी जगह देखे पर जोगेश्वरी के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आपको दर्शन लेने चाहिए, ये स्थान की अनुभूति होनी चाहिए आपको। और ऐसी आप बने रहिए दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको इतनी जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आओगे और दर्शन भी करोगे, उसके साथ साथ यहाँ पर जो रचना है जैसे आप पीछे देख सकते हो ये इतने सारे अद्भुत रचना है जो गुफाएं हैं उनके बारे में आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आगे के वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहो, मुझे लगता है कि आपको जानकारी बहुत हासिल हुई है और यहाँ पर जितने मंदिर है और जोगेश्वरी का महत्व क्या है ये आपको पता चला होगा आज के वीडियो में। और आगे के वीडियो में ऐसे ही जो हम स्पॉट्स जो है आपको दिखाएंगे। और इसी तरह से आप बने रहो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह से मिलते हैं आगे वीडियो में। हरिओम।